हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राधा रमावत ने कहा कि जिला बाड़मेर के एक गांव रावली नाड़ी में नाबालिग के साथ गैंगरेप के विरोध में ज्ञापन दिया गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार तथा गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसी संदर्भ में बाड़मेर के एक गांव रावली नाड़ी में मंगलवार को दिनांक 10 अगस्त को नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप का मामला आरजीटी थाने में बेटी के पिता के द्वारा दर्ज किया गया था। आरजीटी थाना अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि पीड़िता के पिता की नाबालिग बेटी टीसी लेने के लिए स्कूल गई थी। इसी दौरान रास्ते में उसके गांव के दो युवकों ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा कार्यकर्ता मांग करती है कि महिलाओं को न्याय मिले, अन्यथा महिलाएं धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के विरुद्ध बिगुल बजा देगी। उन्होंने सरकार को महिलाओं पर हुए अत्याचारों के प्रति संवेदनशील बनते हुए महिलाओं के न्याय एवं सुरक्षा हेतु कठोर कदम उठाने की मांग की। भाजपा जिला प्रवक्ता एवं जिला मीडिया प्रमुख ललित बोथरा ने बताया कि उक्त ज्ञापन कार्यक्रम में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राधा रमावत, भाजपा जिला मंत्री अनिता चौहान, महिला मोर्चा जिला मंत्री मुस्कान मधु चारण, निधि रमावत, प्रेम लता, मधु परिहार, विजय लक्ष्मी दवे, रेखा दवे, दरिया कवर, पप्पू देवी, मूमल देवी, गंगा देवी, मंजू देवी, ममता उपस्थित थे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघावल की रिपोर्ट।